नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दाम निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब दाम निकालना क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप किसी भी मार्केट में गए हैं, ठीक है, कोई भी सामान खरीदने के लिए, और आपको वहां पर किसी भी चीज का दाम पूछना है। जैसे कि मान लीजिए आप दाल खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने पूछा कि भाई दाल क्या भाव दी है, तो दुकानदार ने बोल दिया कि भाई 20 रुपए की 250 ग्राम है। अब आपको 5 किलो खरीदनी थी, तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई 5 किलो का दाम क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज काम आएगी। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपका जो हिसाब किताब है वो कभी भी गलत नहीं होगा और आप बहुत आसानी से ये चीजें सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहां पर दो सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल है, देखिए 3 किलोग्राम चावल का दाम 240 रुपए है, तो आपको यह बताना है कि 5 किलो और 300 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, ठीक है। तो यह भी उसी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा सवाल है, 600 ग्राम दाल 20 रुपए की आती है, तो 1 केजी दाल कितने रुपए की आएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम उसी तरह की हैं जो मार्केट में आपको फेस करना होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। हमारा पहला सवाल जो है, 3 किलोग्राम चावल का दाम 240 रुपए है, तो 5 केजी 300 ग्राम का दाम क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए बहुत आसान तरीके से समझिएगा, यहां पर मैं बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम मतलब कि 3 केजी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मात्रा। मात्रा हमें कितनी दी गई है वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, और उतनी मात्रा का दाम कितना है वो हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक तरीका है, इस तरीके से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया मात्रा और दाम, ठीक है। अब मात्रा कितनी है, 3 किलोग्राम, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 3 केजी, ठीक है, 3 केजी की मात्रा है, ठीक है। अब 3 केजी का दाम कितना है, 240 रुपया है, तो हमने लिख दिया भाई 240 रुपये, ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हमें यहां से क्या करना है, 1 केजी का दाम पता करना है। अब देखिए हमें 1 केजी का दाम पता हो जाएगा तो 1 केजी के दाम में हम 5 केजी का गुणा कर देंगे तो 5 केजी का दाम निकल आएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि मैं इसमें 3 का भाग लगा दूं, यदि मैं यहां पर 3 का भाग लगा दूं, अब मात्रा में देखिए मात्रा है, मात्रा में हम 3 का भाग लगा रहे हैं मतलब 3 गुना कम कर रहे हैं, तो दाम भी 3 गुना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से यहां पर 3 कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 1 केजी हो गया, ठीक है, 1 केजी हो गया। अब इसी प्रकार से यहां पर भी काटिए तो 3 एकम 3 और यहां पर 3 8 24, ठीक है, और यहां पर 0 है तो 0, ठीक। तो यहां पर कितना आ गया है, 80 रुपए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 80 रुपए, कितने का आया है, 1 केजी का दाम 80 रुपए आया है, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 5 केजी, ठीक है, 5 केजी और 300 ग्राम, तो पहले 5 केजी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यदि मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं, ठीक है, 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 केजी। मात्रा को हम 5 गुना बढ़ा रहे हैं तो दाम भी 5 गुना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर, तो आ जाएगा हमारा सिंपल 5 केजी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हम इसमें गुणा कर देंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, तो ये हो गया 40 और 1 0 है तो ये हो गया 400 रुपए, ठीक है। अब हमें देखिए 5 केजी का दाम तो पता चल गया, यहां पर हमें बताना था 5 केजी, अब हमें 300 ग्राम का दाम और निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये चीज हमें अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया, 5 केजी का दाम 400 रुपया है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें 1 केजी का दाम कितना है, 80 रुपया है, ठीक है। तो हम केजी को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहां पर हमें 300 ग्राम की कीमत निकालनी है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 केजी मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1000 ग्राम, ठीक है, यहां पर साइड में लिख देते हैं 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये जो प्रोसेस है आपके दिमाग में ही हो जाएगी और आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इसको समझिएगा क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर 1 केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो ये कितना हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन मात्रा तो सेम ही है भाई, 1 केजी लिख दो चाहे 1000 ग्राम लिख दो, मात्रा सेम है, तो यहां पर दाम भी सेम रहेगा मतलब 80 रुपए ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 80 रुपए, ठीक है।
अब यहां से समझिएगा, अभी यहां पर कितना है 1000 ग्राम है, हमें कितने की मात्रा चाहिए 300 ग्राम। तो यदि हमें 100 ग्राम मात्रा पता चल जाए तो हम उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो है 300 ग्राम निकल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। चलिए अब देखो, यहां पर यदि मैं इसमें 10 से भाग लगा दूं, ठीक है, मात्रा को 10 गुना कम कर दूं, तो यहां पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 100 ग्राम पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसको 10 गुना कम करेंगे तो इसको भी 10 गुना कम करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब 0 से 0 काट दो तो यहां पर कितना आ गया 100 ग्राम। ठीक है, ये आ गया 100 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर 0 से 0 काट दो तो यहां पर कितना आ गया 8 रुपए। ठीक है, अब 100 ग्राम का जो दाम है वो हमें पता चल गया कितना है 8 रुपए है। अब यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, देखिए 300 ग्राम का हमें चाहिए था तो हम 3 का गुणा करेंगे, अगर 400 ग्राम चाहिए होता तो 4 का गुणा कर देते, 500 ग्राम चाहिए होता तो 5 का करते, अभी हमें 300 चाहिए तो 3 का कर दिया। जब हम मात्रा को 3 गुना बढ़ाएंगे तो दाम भी 3 गुना बढ़ेगा, तो यहां पर हम गुणा कर देते हैं 3 का। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 100 × 300 ग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर आ गया हमारा 300 ग्राम। ठीक, 300 ग्राम, अब 300 ग्राम का दाम कितना है 8 × 24, तो यहाँ पर आ गया भैया हमारा 24 रुपए। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर हमारा जो सवाल है उसका आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए 5 केजी का पता चल गया 400 रुपए और 300 ग्राम का पता चल गया 24 रुपए। अब हम दोनों का जोड़ के बता देते हैं कि भाई यहाँ पर 5 केजी, ठीक है, 5 केजी और 300 ग्राम का जो दाम है वो कितना हो जाएगा 400। देखिए 5 केजी का कितना है 400 है, तो ये हो गया 400। ठीक है, प्लस यहाँ पर 300 ग्राम का कितना है 24 रुपए, तो ये हो गया 24। अब इसको जोड़ लीजिए, 400 और 24 कितना हो जाएगा 424 हो जाएगा, तो ये हो गया 424 रुपए। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, अभी आपको सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है जब आप समझ जाएंगे तो ये आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, आपको इसमें अलग से कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है अब हम उसको करेंगे। ठीक है, 600 ग्राम दाल 20 रुपए की आती है तो 1 केजी दाल कितने रुपए की आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वही लिखेंगे हम मात्रा। ठीक है, सभी सवालों में बस यही फंडा है मात्रा और दाम का। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे मात्रा और यहां पर लिखेंगे हम दाम। क्लियर, मात्रा कितनी है 600 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया भाई 600 ग्राम। ठीक, इसके बाद में इसकी जो कीमत है वो कितनी है, दाम है वो कितना है 20 रुपए है, तो यहां पर हमने लिख दिया 20 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है 1 केजी। ठीक है, अब हमें इसको 1 केजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या तो हम इसमें 400 ग्राम जोड़ेंगे तब होगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं होगा, हम क्या करेंगे यहां से 100 ग्राम की जो दाम, 100 ग्राम का जो कीमत है वो हम निकाल लेंगे और उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 100 धाम कितना हो जाएगा 1000, 1000 मतलब 1 केजी का दाम निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए यहां पर यदि मैं इसमें 6 का भाग लगा दूं, ठीक है, यदि मैं इसमें 6 का भाग लगा दूं तो 6 से 6 कट जाएगा, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम की कीमत पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब मात्रा को 6 गुना कम करेंगे तो जो दाम है वो भी क्या होगा 6 गुना कम होगा, तो चलिए कर देते हैं, यहां पर देखिएगा तो 6 से 6 कट जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 से 20 में भाग लगाइए, तो देखिए यहाँ पर 2 × 6 और यहाँ पर 2 × 1 = 2 और 0। ठीक है, फिर 3 से भाग लगाइए, 3 × 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 9 एक बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 3 × 9 और ये हमारा आ जाएगा 3.33 रुपए। ठीक है, तो 100 ग्राम की कीमत आ गई है 3.33 रुपए। ठीक है, अब ये हमें 100 ग्राम की कीमत पता चली है, लेकिन हमें 1 केजी का बताना है, तो देखिए यदि मैं 100 ग्राम में 10 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को हम क्या लिखते हैं 1 किलो लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसमें 10 का गुणा कर देता हूं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाई जब हम मात्रा को 10 गुना बढ़ाएंगे तो दाम भी 10 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा करिए, तो 10 का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33.3 रुपए। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 केजी। ठीक है, तो 1 केजी का जो दाम है वो निकल कर आ गया है कितना
33.3 रुपए। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। इतने ही सिंपल तरीके से इस टाइप की कोई भी सवाल आ जाए आप इनको सॉल्व कर पाएंगे और मार्केट वाली जो समस्या है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।